कच्चे कीमे के कोलू कबाब बहुत ही सॉफ्ट और नरम होते हैं, तो ईद के दिन ये कोलू कबाब ज़रूर ट्राई करें। बस मैंने भी आधा किलो कीमा लेके आई थी और उसको मिक्सर में डबल पीस ली थी। पीसने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची दुरदुरी पीस ली थी, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और चाट मसाला, इन सब को डाल दी थी। डालने के बाद मैंने इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, फिर उसके बाद मैं डालूंगी काली मिर्च पाउडर होती है सफ़ेद वाली, वो डाल दूंगी। मैंने एक कांदा काट के रखी थी बारीक बारीक, इनको भी डाल दूंगी। और मैंने शिमला मिर्ची दो तरीके की ली थी, एक लाल और एक हरी वाली, इनको डाल दूंगी। और मैं कोथमीर काट के डाल दी और उसके अंदर भूंजा हुआ बेसन डाल दूंगी। इनको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद गोलू कबाब में ना कोयले की भगार की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि टेस्ट उसी से आता है और बहुत ही नरम सॉफ्ट, और सब्ज़ियाँ जो हाथ में लगती ये ना कोलू कबाब की बहुत ही मज़े की होती है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बैटर को मैंने 4 घंटे के लिए बना के रख दी थी। उसके बाद मैंने अब कुचले बनाते हैं गोलू कबाब। तो शेप देने का था तो मेरे पास स्ट्रॉ था, मेरी पेंसिल थी, तो आप लोग किसी से भी बना सकते हैं। तो मेरे साथ हिसाब से मेरे पास स्ट्रॉ था तो उससे अच्छा बनता था गोलू कबाब। तो मैंने गोलू कबाब बनाना शुरू कर दी थी। गोलू कबाब की खासियत ये होती कि पूरा शेप है ना उसका मोटा होता है और छोटा होता है, और फ्राई होने में बड़ा मज़े का होता है। और तो बस मैंने ऐसी तरह से गोलू कबाब सब बना लूँगी। बनाने के बाद मैंने इसको गरम तेल करी और थोड़े से तेल के अंदर इसको मैं डाल दूंगी कबाब को। और छोटे छोटे ये गोलू कबाब कितने अच्छे लग रहे हैं और कलरफुल दिख रहे हैं। इसी तरह आप लोगों को मेरी वीडियो भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। और ये कबाब की खासियत है कि ये झटपट बन जाती है, सिर्फ हमें इसे 10-5 मिनट के लिए फ्राई करना होता है। चटपटे तीखे कलरफुल कबाब बनके रेडी हो गए। तो कबाब बनके मेरे रेडी हो गए थे। मेरे पास सीजलर वाला तवा था तो मैंने इसमें ज़रा सा तेल गरम कर ली। सबसे पहले तवे को एकदम गरम कर ली थी, हीट हो गया। उसके बाद मैंने ज़रा सा तेल डाली हूँ और उसके बाद मैंने कांदे को डाल दी थी। अच्छे से उसको लाल करने तो रखना नहीं है, बस ऐसे ही रख देना है और उसके बाद कबाब रख देना है। रखने के बाद एक एक पीस उठा, जब कबाब अच्छे से गर्म हो जाए, स्मोकिंग जैसे फ्लेवर आ जाए सीजलर जैसे, तो ये मेरे सीजलर गोलू कबाब बनके रेडी हो गए। एक एक कबाब खाएँ और मज़े लें। इसी तरह मेरे वीडियो को भी लाइक कर दो।